हेलो व्यूवर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल डेली हेल्थ टिप्स में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बाजू वाले बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्राइवेट पार्ट्स की बदबू से छुटकारा पाने के लिए कुछ ज़बरदस्त घरेलू उपायों के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, बात आपकी अंडरआर्म स्मेल की हो या फिर प्राइवेट पार्ट्स स्मेल की, आपकी बॉडी से बैड स्मेल सबसे पहले आपको ही आती है ना? जी हाँ। तो ऐसे में फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आपके प्राइवेट पार्ट से थोड़ी बहुत दुर्गंध आना नॉर्मल है, लेकिन फ्रेंड्स अगर दुर्गंध ज़्यादा आ रही है तो ये नॉर्मल बात नहीं है। जी हाँ, ऐसे में प्राइवेट पार्ट से बदबू आने के कई सारे रीजंस होते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें इसका मुख्य कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का होना होता है। प्राइवेट पार्ट्स में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो इस सिचुएशन में प्राइवेट पार्ट्स में बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से पनपते हैं, इसी कारण से ही प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती हैं। इसके अलावा भी फ्रेंड्स कई और सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपके प्राइवेट पार्ट से बदबू आ सकती हैं। जी हाँ, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस, प्राइवेट पार्ट्स में बहुत अधिक पसीना आना और साथ ही फ्रेंड्स प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई ना करने की आदत और साथ ही अनहेल्दी खान पान भी इसका एक कारण है। जी हाँ, क्योंकि फ्रेंड्स प्राइवेट पार्ट्स हमारे शरीर का बेहद ही नाजुक और साथ ही संवेदनशील हिस्सा यानी कि फ्रेंड सेंसिटिव पार्ट होता है, लेकिन दोस्तों यदि इसका ठीक से ध्यान ना रखा जाए तो आपको प्राइवेट पार्ट में संक्रमण, दुर्गंध और साथ ही अन्य बीमारियाँ होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। ऐसे में प्राइवेट पार्ट्स को स्वस्थ रखना यानी कि फ्रेंड्स इसका हेल्दी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, ऐसे में फ्रेंड्स प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन यानी कि साफ रखना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो चलिए जान लेते हैं कैसे रखा जा सकता है प्राइवेट पार्ट्स को स्मेल फ्री। सबसे पहला उपाय है फ्रेंड्स नीम यानी कि नीम लीव्स। जी हाँ, नीम के कड़वे पत्ते एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और साथ ही एंटी वायरल का खजाना होते हैं। इसके पत्तों का यूज़ कई तरह के रोगों के इलाज में किया जाता है, साथ ही दोस्तों ये इन्फेक्शन और साथ ही बदबू जैसी समस्या से भी छुटकारा दिलाता है। और इसका इस्तेमाल करने के लिए आप पैन में पानी के साथ नीम के पत्तों को अच्छी तरह से उबाल लीजिए यानी कि इसे अच्छी तरह से बॉयल कीजिए और इस पानी को ठंडा होने दीजिए और रोज़ाना इस पानी से प्राइवेट पार्ट्स के आसपास की सफाई करें यानी कि क्लीनिंग कीजिए। डेली इस रेमेडी को रिपीट करने से फ्रेंड्स आपको खुद फील होगा कि आपके पास से किसी भी तरह की स्मेल नहीं आ रही है। नेक्स्ट वाला उपाय है फ्रेंड्स हल्दी यानी कि टर्मेरिक। जी हाँ, हल्दी में एंटी माइक्रोबियल और साथ ही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। प्राइवेट पार्ट्स की गंध को ख़त्म करने के लिए हल्दी का उपयोग किस प्रकार से करना है चलिए जान लेते हैं। और फ्रेंड्स आपको हल्दी के साथ और कौन कौन सी सामग्री चाहिए वो है 1 इंच हल्दी की गांठ या फिर 1 चम्मच हल्दी का पाउडर और साथ ही फ्रेंड्स 1 ग्लास दूध। चलिए जान लेते हैं इसे बनाने की विधि क्या है। इसके लिए फ्रेंड्स आप हल्दी की गांठ को अच्छी तरह से धो लीजिए और इसे छिलकर सुबह उठकर सबसे पहले इसे चबा लीजिए। रात को सोने से पहले 1 ग्लास गर्म दूध में आप हल्दी का पाउडर मिलाकर इसे पी जाएं। इसके अलावा फ्रेंड्स हल्दी की गांठ को अच्छी तरह से धो लीजिए और इसे छिलकर 1 लीटर पानी में उबाल लीजिए। जब तक ये पानी की मात्रा आधी ना हो जाए तब तक आप इसे उबाल लीजिए। अब इस पानी का उपयोग प्राइवेट पार्ट्स को धोने के लिए कीजिए, लेकिन दोस्तों ध्यान रहें कि पानी गुनगुना ही होना चाहिए। जी हाँ, आप इस उपाय को हफ्ते में 3 से 4 बार कर सकते हैं, इससे आपके प्राइवेट पार्ट से आने वाली बदबू दूर हो जाएगी। नेक्स्ट वाले उपाय में आपको इस्तेमाल करना है बेकिंग सोडा। जी हाँ फ्रेंड, बेकिंग सोडा आपके प्राइवेट पार्ट के पीएच स्तर यानी कि पीएच लेवल को सामान्य रूप से वापस लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और फ्रेंड्स इस प्रकार से बैक्टीरिया और सती फंगस को भी कंट्रोल में रखता है। ये इन्फेक्शन का इलाज करता है और सती बैड स्मेल यानी कि दुर्गंध को भी समाप्त करता है। आप बेकिंग सोडा के पानी का इस्तेमाल प्राइवेट पार्ट की सफाई के लिए भी कर सकते हैं और फ्रेंड्स इसके लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो है 1/2 कप बेकिंग सोडा और साथ ही पानी। जी हाँ, चलिए जान लेते हैं इसे इस्तेमाल करने की विधि क्या है। इसके लिए आप सबसे पहले बाथटब में मौजूद पानी में आप बेकिंग सोडा को मिलाएं और 20 से 30 मिनट के लिए अपने निचले शरीर को इसमें रहने दीजिए यानी कि आप इसमें बैठ जाएं। इससे फ्रेंड कुछ दिनों में आपके प्राइवेट पार्ट से आने वाली दुर्गंध से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, और फ्रेंड्स याद रखिए ये रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करती हैं, इसीलिए आप इस उपाय को ज़रूर ट्राई कीजिए।
नेक्स्ट वाले उपाय में आपको इस्तेमाल करना है सेब का सिरका यानी कि एप्पल साइडर विनेगर। जी हाँ फ्रेंड्स, सिरके में मौजूद एंटी बैक्टीरियल और साथ ही एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आपके प्राइवेट पार्ट से आने वाली बदबू को दूर करने का कारगर उपाय है। एक हफ्ते तक रोजाना नहाते वक्त इसका इस्तेमाल करने से आप अपने बदबू को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, टॉक्सिन्स और साथ ही बैक्टीरिया से लड़ने के साथ ही इसका एसिडिक प्रॉपर्टीज आपके प्राइवेट पार्ट को साफ रखता है। इस्तेमाल करने के लिए फ्रेंड्स, आप नहाने के पानी में लगभग 2 कप सेब का सिरका मिलाएं और 20 मिनट उसे अच्छे से मिक्स होने दीजिए। फिर उसके बाद आप इस पानी से नहा लीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप एक ग्लास पीने के पानी में 1 से 2 चम्मच सेब के सिरके को मिलाकर भी पी सकते हैं। इससे भी आप अपने प्राइवेट पार्ट से आने वाले बदबू को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले उपाय में फ्रेंड्स, आप सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल कीजिए यानी कि व्हाइट विनेगर यूज़ कीजिए। जी हाँ, सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल करने से भी आपको प्राइवेट पार्ट्स में होने वाली दुर्गंध यानी कि बैड स्मेल से राहत पाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इसके इस्तेमाल के लिए फ्रेंड्स, आप बाथटब में गुनगुना पानी लीजिए और उसमें 1/2 कप सफ़ेद सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर और सॉरी थोड़ा सा नमक यानी कि सॉल्ट को मिला लीजिए। उसके बाद उसकी हेल्प से आप अच्छे से अपने प्राइवेट पार्ट्स को धोएं या फिर आप उसमें अपने प्राइवेट पार्ट्स को कुछ समय के लिए डालकर रखिए यानी कि आप बाथ टब में बैठ जाएं। कुछ देर इस पानी में बैठने के बाद फ्रेंड्स, आप नहा लीजिए। जी हाँ, वीक में 3 से 4 बार यानी कि 3 to 4 times इस प्रोसेस को करने से आपको बहुत ही फायदा होगा। दोस्तों, आप लहसुन का सेवन कीजिए। जी हाँ, लहसुन नेचुरल एंटीबायोटिक होता है जो ना सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स में होने वाली इन्फेक्शन को दूर करता है बल्कि इससे आने वाली गंदी बदबू को भी दूर करता है। जी हाँ, लहसुन में मौजूद इसका एंटी फंगल प्रॉपर्टीज यीस्ट इन्फेक्शन से लड़कर नुकसानदायक बैक्टीरिया को भी मारता है। जी हाँ फ्रेंड, इसका इस्तेमाल रोजाना 2 से 3 कलियाँ कच्ची लहसुन की खा लीजिए। खाली पेट गुनगुने पानी के साथ खाना और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा फ्रेंड, खाने से लेकर सलाद तक में लहसुन यानी कि गार्लिक की मात्रा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा और साथ ही प्राइवेट पार्ट से आने वाली बदबू भी दूर हो जाएगी। आंवले का सेवन कीजिए। हाँ फ्रेंड्स, आंवले का सेवन कच्चा या फिर अचार के रूप में करने से आपका प्राइवेट पार्ट से आने वाली बदबू की समस्या से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है क्योंकि दोस्तों, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। साथ ही आंवले के सेवन से प्राइवेट पार्ट्स में बदबू फैलाने वाले रोग ल्यूकोरिया को भी पैदा होने से रोकने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आप इसे गाजर या फिर चुकंदर यानी कि कैरेट और साथ ही बीटरूट आदि के जूस में डालकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप आंवला पाउडर का भी सेवन कर सकते हैं। इसे किसी भी रूप में लेने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसीलिए फ्रेंड्स, आप भी आंवले का सेवन ज़रूर कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतना अधिक आपका शरीर डिटॉक्स रहेगा और फ्रेंड्स, ये प्राइवेट पार्ट से आने वाली दुर्गंध को दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि दोस्तों, प्राइवेट पार्ट से आने वाली दुर्गंध यानी कि बैड स्मेल हमारे शरीर में शर्करा की अधिक मात्रा के होने के कारण भी आती हैं। ऐसे में अधिक पानी पीजिए। अधिक पानी आपके शरीर से आंतरिक शर्करा यानी कि एक्सेस शुगर को हटाता है और साथ ही प्राइवेट पार्ट को साफ रखता है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए यानी कि दिन में आप 8 से 9 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए। दोस्तों, आप दही यानी कि कर्ड का सेवन कीजिए। जी हाँ, हमारे आसपास कई ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके फ़ायदों के बारे में हमें पता ही नहीं होता है। ऐसे में फ्रेंड्स, इन्हीं में से एक है दही यानी कि कर्ड। जी हाँ, जो आजकल हर किसी को आसानी से मिल भी जाती हैं। जी हाँ, दही प्राइवेट पार्ट्स की बदबू को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि दोस्तों, दही में मौजूद लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया इन्फेक्शन से लड़ते हैं और साथ ही उसके पीएच लेवल को भी नॉर्मल रखते हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम नहीं हो पाती हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले लंच हो या फिर डिनर, दही को अपने खाने में शामिल करना चाहिए यानी कि आपको रोज़ाना दही का सेवन करना चाहिए जिससे कि आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसीलिए आप भी दही का सेवन शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी प्राइवेट पार्ट से आने वाली दुर्गंध को दूर करने के लिए कुछ हाइजीन टिप्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, प्राइवेट पार्ट्स को दुर्गंध रहित यानी कि स्मेल फ्री रखने के लिए हमेशा साफ अंडरगारमेंट्स ही पहने क्योंकि फ्रेंड्स, गंदे अंडरगारमेंट्स से भी प्राइवेट पार्ट्स में संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से प्राइवेट पार्ट्स से बदबू आने लगती है। इसीलिए आप हमेशा अपने प्राइवेट पार्ट्स को साफ रखें और सभी साफ अंडरगारमेंट्स ही पहने
और हाँ फ्रेंड्स, प्राइवेट पार्ट्स एरिया को हर बार वॉश करते समय ज़रूरी नहीं है कि आप लिक्विड माइल या फिर मेडिकेटेड सोप का इस्तेमाल करें। आप केवल सिंपल वाटर से ही इसे वॉश कीजिए या फिर फ्रेंड्स हल्के गर्म पानी की वॉश और भी सही होती हैं। रेगुलर सोप का यूज़ अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई के लिए कभी ना करें। इसके केमिकल्स यहाँ की सॉफ्ट सेंसिटिव स्किन को नुकसान पहुँचाती हैं। जी हाँ, प्राइवेट पार्ट्स की साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि फ्रेंड, दिन में जितनी भी बार आप बाथरूम में जाएं, उतनी बार आपको पानी से उसे क्लीन करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जान लिया है प्राइवेट पार्ट से आने वाली बदबू को दूर करने के लिए कुछ होम रेमिडीज़ के बारे में, और साथ ही आपने जाने हैं कुछ हाइजीन टिप्स। इसीलिए आप भी अपने हाइजीन का पूरा ख्याल रखिए और साथ ही हमेशा हेल्दी रहें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और साथ ही इस यूज़फुल वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। टिल देन, ईट हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय।